सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। सो दिस इज द मेन हाईवे और यहीं से राइट रास्ता चला जाता है एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट बोलूं या फिर एक्स एयरपोर्ट, एक्स ही चलता है अभी तो, एयरपोर्ट तो रहा नहीं अभी। सो दिस इज द मेन गेट और हम आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। अभी तो ये एयरपोर्ट बिल्कुल ही काम में नहीं है। यहाँ पे लोग ड्राइविंग सीखने, फिजिकल करने, सुबह सुबह फ़ोटो शूट कराने, यही सब करने आते हैं। 1980s में ये एयरपोर्ट ओपन थी, तब यहाँ पे बहुत सारे फ्लाइट्स लैंड करते थे। लाइक जो फ्लाइट्स नेपाल टू दिल्ली लाइंस के थे या फिर नेपाल टू पटना लाइन की थी, वो यहाँ पे लैंड करती थी, यहाँ से पैसेंजर्स उठाती थी। उसके बाद यहाँ पे फ्लाइट्स का आना जाना सब बंद हो गया और धीरे धीरे एयरपोर्ट्स बंद हो गया और यहाँ पे बस वही कुछ होना जाना है नहीं। यहाँ का खेत बन गया है, जंगल झाड़ उग गए हैं। लोग यहाँ पे जो रनवे है वहाँ पे लोग ड्राइविंग सीखते हैं। अभी आपको लेके चलेंगे रनवे पे भी। और ये शहर का एक फ़ोटो शूट का एक अच्छा डेस्टिनेशन बना हुआ है और यहाँ पे शायद ये एक वॉच टावर है और वहाँ पे हैंगर है, उधर भी आपको लिए चलेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं रनवे की तरफ। यहाँ पे रैलीज वगैरह होती है, पॉलिटिशियंस आते हैं चुनाव के वक्त यहाँ पे रैलीज करते हैं। यहाँ पे 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए हुए हैं रैली करने, उससे पहले भी काफ़ी रैलियाँ हुई है यहाँ पे। ये देखिए, ये रहा रनवे। ये सिंगल रनवे एयरपोर्ट हुआ करता था, लेकिन अगर चाहे तो इसे डबल रनवे में बदला जा सकता है। रनवे है सही, लंबा चौड़ा है काफ़ी। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, लोग ड्राइविंग सीखने आते हैं, फ्लाइट्स तो यहाँ लैंड करने से रही, लोग अपनी गाड़ी ही चला लिया करते हैं, कम से कम यूज़ तो हो रहा है किसी चीज़ में। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये है एयरपोर्ट का हमारा रनवे। जब ये काम में था एयरपोर्ट, तो फिर यहाँ पे जो आपको ईंटें दिख रही हैं वो ईंट नहीं थी, इसके ऊपर एक छाई की परत थी जो कि नॉर्मल रनवेज में होती है। देखिए, लोग यहाँ अपनी गाड़ियाँ ही उड़ा रहे हैं, एक गाड़ी जा रही है और ये कि ब्लैक आ रही है। सही है, सही है, कुछ तो उपयोग में आ रहा है ये एयरपोर्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोग फिटनेस के लिए यहाँ पे आते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये शायद आर्मी की ट्रेनिंग वाले लड़के हैं, सब यहाँ पे सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं, फिटनेस करते हैं, अपनी फिजिक को मेंटेन करते हैं। और अभी आपको लेके चलेंगे, वो वहाँ जो आप देख रहे हैं वो था हैंगर और मैकेनिकल रूम्स भी था शायद, जहाँ पे कोई पार्ट पुर्जा अगर ख़राब हो जाए तो वहाँ पे बन जाते थे। और ये जो आपको पिंक वाला यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है वॉच टावर, आपको वहाँ भी लिए चलेंगे अभी। और ये पूरा एरिया है, आप एक बार देख लो अच्छे से, ये पूरा एरिया है एयरपोर्ट का। ये ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट तो नहीं है, लेकिन उतना छोटा भी नहीं है। अगर अभी चाहे तो इंटरस्टेट फ्लाइट यहाँ से उड़ सकती है। अब तो हमारा सपना ही है कि हमारे शहर से भी कोई फ्लाइट उड़े। वैसे है, हमारे शहर के 80 किलोमीटर नॉर्थ में भी एक एयरपोर्ट है और 80 किलोमीटर साउथ में भी एक एयरपोर्ट है, और यहाँ भी हो जाए तो क्या ही कहने हैं। फिलहाल चलिए आपको लिए चलते हैं थोड़ी सी, एक छोटी सी रनवे की टूर पे। मेरे लाखों शहरवासियों की तरह मेरा भी यही सपना है कि यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाए और हम फिर से यहाँ से अपने सपनों की उड़ान भर सकें।